चप्पल जूते ऊपर रख इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। शर्ते लागू। हाँ बोलो। कार्तिक मास है जो अपने पाँच दस दिन जो है ये परमा राम राम रखी जुन्नी अरे कराई भगवान के नाम से और चलता रहा और आज संपूर्ण होने जा रहा था, इसलिए आज पुष्कर सही स्नान हो गया। संत महात्मा आए हुए आश्रम में ठहरे हुए हैं, सब संतों की व्यवस्था हो रही है अच्छी तरह से और राम धुनी भगवान के जो है पुष्कर तीर्थ के चारों ओर घूमते हुए परिक्रमा करते हुए ये अपने अन्य सचल राम जी का हो गया भगवान की कृपा से। महाराज आप महाराज अब की बार दो अलग अलग गुटों में संत कैसे आ रहे हैं? दो गुट तो अपना अपनी मर्जी वाले खोटी कौन है। हमेशा आप संतों के साथ आते थे सर, आपके अलग आए हैं वो अलग आ रहे हैं, क्या कारण है? वो कोई कारण कौन है, अपना अपना भावना अपने लोग ये तो हमेशा आते हैं, हमेशा अपने समय से आ जाते हैं। आप लोग तो हमेशा आते हो लेकिन अब की बार अलग कैसे आए? हम तो अपने समय पर आते हैं, वो अपने समय पर नहीं निकले तो हम क्या करें। और कोई आचरणधारी कोई आता नहीं, बताओ कौन सा आचरणधारी आया? उदासीन निर्मला कोई आता क्या? कोई नहीं आता, सब ऐसे ही है। अब मैं मेरी इच्छा से चलता हूँ, मेरी इच्छा से परिक्रमा करता हूँ, न मैं किसी का विरोध करता नहीं हूँ, कि नहीं किसी से बढ़ाई करता नहीं हूँ, अपना अपना हिसाब चलते हैं, है ना। मेले को लेकर क्या संत? हाँ बाबू जी, ब्रह्म शब्द के ये शत्रु सही है हमारी, हम सही इसीलिए करें कि पुष्कर को साफ सुथरा रखे, नशे से मुक्त करें, नगन ना नहावे, हिंदू संस्कृति को कायम करने के लिए ये अपनी यात्रा शुरू करी है। राम रम्या लेके महाराज जी वहाँ से रामधुन लेके चलते हैं और सही स्नान में हम लोग ब्रह्म शब्द को आते हैं। हमारा संतोष है, सब भाव प्रेम है, ये कहना चाहते हैं कि संतों ये युवा पीढ़ी को भटक रही है, नशे से दूर कराओ, पुष्कर में नहाओ, बुराई छोड़ाओ। और भक्तों को कहना चाहता हूँ पुष्कर सरोवर है, इसमें गंदगी ना डाले, प्लास्टिक ना डाले, अन्न नहीं डाले, नगर नहीं नहावे। हमारी बहन बेटियाँ नहा रही है, पांच तीर्थ देवता का निवास करते हैं, ये पिकनिक प्लेस नहीं है, आस्था प्लेस है। इस आस्था से हम देखेंगे तब ये स्थान कायम रहेगा। हमारे तीर्थों पर अनेक स्थानों पर जो आस्था खत्म होती जा रही है युवा पीढ़ी से, क्यों होती जा रही है? कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं, उस कर्मों को हमें दूर करने के लिए आप और हमको आगे आना है, तभी युवा पीढ़ी श्रद्धावान होगी, आस्थावान होगी, उनको जगाना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। सबसे बड़ी ब्रह्म शब्द का स्नान में ये शत्रुशाही स्नान है, हमने शुरू करा जब से पुष्कर की पवित्रता आई, गंदगी मिटी और सब कुछ होता जा रहा है, जनता ब्राह्मण विद्वान सब देख रहे हैं। पुष्कर के पंडों को प्रणाम करके दान दक्षिणा दे, उनको ही हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई लोगों आप ही इसी मदद करो पुष्कर में। और हमारा कुल देवता है, हमारा ये तीर्थ धाम है, गंदगी ना होने दें, आप सबका सहयोग चाहिए। जी की पावन धरा पर एकादशी से पूर्णिमा तक जो आस्था की डुबकी का महास्नान पंच तीर्थ स्नान चल रहा है, उसी में आज ब्रह्म चतुर्दश के दिन सभी पुष्कर के संतों महंतों ने, देश से आए संतों महंतों ने आज यहाँ सप्तऋषि घाट पे शाही स्नान कर भगवान पुष्कर राज की पूजा अर्चना की है, ब्रह्मा जी की स्तुति की है और कामना की है कि पूरे विश्व में शांति और सद्भावना बनी रहे और सब में प्रेम और खुशहाली रहे। आज इसी संदेश के साथ आज सभी संतों ने अपने आश्रमों से आके और यहाँ पुष्कर सरोवर में स्नान किया है और ये सभी संत महात्मा सुबह राम धुनी के साथ अपने आश्रमों से आते हैं और पुष्कर राज की स्नान करके और यहाँ से पुष्कर राज की परिक्रमा लगाते हैं और सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने गंतव्य आश्रमों को जाते हैं। आज प्रेमदास जी राम रमैया आश्रम जी के नेतृत्व में आज ये शाही स्नान यहाँ ब्रह्म सरोवर पर सप्तऋषि घाट पर आयोजित किया गया, इसके लिए हम सभी मंगल कामना करते हैं। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर, आज हमने यहाँ सभी संतों महंतों का माल्यार्पण करके और शोल उड़ा के आज हमारी संस्था की ओर से भी श्री ब्रह्मा गायत्री तीर्थ विकास संस्थान की ओर से और हमारे साथ दिलीप बाबू उनकी ओर से और पंडित कैलाश नाथ जी ज्योतिराचार्य, हम सब ने मिलकर आज उनका सबका साधु संतों का मान सम्मान किया।